जारी लटक युरो हाथी तलिंगे तो युरो हाथी तलिंगे तो युरो कंजू बम जला जो थैंक यू हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग हैं अपने यूनिवर्सिटी रिमिट यूनिवर्सिटी में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अरुणाचल का म्याकुम सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ। तो ये जो है निसी ट्राइब का है, बेसिकली जो है मेजर ट्राइब है अरुणाचल का, तो उनका जो है ये फेस्टिवल है। लेकिन ये पहले ही सेलिब्रेट कर चुके हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे सारे स्टूडेंट लोग दूर अरुणाचल से दूर पंजाब में सेलिब्रेट करने वाले हैं और सारे स्टूडेंट ने तो सारे सब लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था, कोई कहाँ पे बिजी था, तो आज समय निकाल के संडे में तो इसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो अभी हम लोग 10 बज चुके हैं, वैसे तो 9 बजे का प्लान था कि हम निकल जाएँ पर लेट हो गए हम लोग, अभी जा रहे हैं, होप कि हम 11 o'clock तक पहुँचे। तो ये है हमारा यूनिवर्सिटी और मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई भी ब्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि थोड़ा निकलते समय प्रॉब्लम होता है, बहुत स्ट्रिक्ट है और निकलने में थोड़ा समय लग गया हमें, तो गेट के बाहर से निकलने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल, इस साइड पीछे में स्कूल भी है और इसके अंदर मेन कैंपस है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है, पता नहीं कब से स्टार्ट होएगा। और यहाँ पर रिमिट का अपना हॉस्पिटल भी है, तो बेसिकली हमारा जो यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा है। मैं भी सारा यूनिवर्सिटी के अंदर घुमा नहीं अभी तक क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, आना जाना बहुत शॉर्ट रहता है। तो यहाँ जाएंगे, ये है हमारा मेन रोड, इसको हम जीटी रोड कहते हैं। और यहाँ का सबसे बुरा एक चीज़ है, जो चीज़ मुझे लगता है कि वो है कि यहाँ से ना हम लोग ईजिली बाहर आना जाना नहीं कर सकते। रास्ता देखो ये डरावना डरावना खंडर जैसा है, पता नहीं कहाँ पर कोई लेके ना चला जाए, ऐसा डरावना जगह है। तो कभी कभी बाहर निकलता है, रोज़ नहीं निकलता है, इससे हमें परमिशन भी काफ़ी दिक्कत से मिलती है। तो अभी हम लोग ना, हम लोग को पहले ऑटो नहीं मिल रहा था, बाद में फाइनली हमें ऑटो मिल गया और ऑटो ने हमें डायरेक्ट मंडी में नहीं रोका, डायरेक्ट खन्ना ला दिया और खन्ना आते ही हमें नया ऑटो मिल गया और अभी हम लोग जा रहे हैं गुलजार। तो फाइनली हम अपने लोकेशन में पहुंच चुके हैं, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो ना मैंने ना बीच का वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि लोग इतना घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम एलियन हैं और हमें देख रहा है। ऊपर से हमारा फेशियल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, इसलिए लोग देखते ही हैं। आज तो हमने थोड़ा सा ट्रेडिशनल ड्रेस भी वेयर किया हुआ है ना, ये सब गालों वालों डाला है, तो इसलिए ना लोग बहुत घूर के देख रहे हैं। तो अभी हम लोग अपना एक फ्रेंड है जो चंडीगढ़ से आने वाला है, हम उनको कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे ना इतना सुंदर सुंदर लड़की और इतना सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस में देखे ना इतना इनसिक्योर फील करे ना अंदर घुसने के लिए। हम दोनों ऐसे आए तो ऑटो का हवा से बाल ही पूरा जो बनाया था ख़त्म। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है ना, धूल मिट्टी है, तो पूरा जितना मेकअप किया था सब चला गया, मिट्टी थोक गया इसमें। तो वहाँ है, दिख रहा है, दे रहा है, अभी जाएंगे देखते हैं। वहाँ पर गेम भी खेल रहे लोग, मुझे बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी जाके देखने का मन कर रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ के कैंटीन में हैं, हमें भाई लोग मिले हैं एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई लोग को देख के, लग रहा है बिल्कुल अरुणाचल में है। बाहर में तो बहुत सुंदर सुंदर कन्हैया है, हम डर के मारे इधर आ गए, शर्म आ रहा है क्योंकि आज हम बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लड़कियाँ बहुत सुंदर बनी हुई इधर का। तो अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पे मेन जो कैंपस है, जहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेशन, जहाँ पे डेकोरेशन कर रखा है, जाएंगे थोड़ी देर। उससे पहले हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, चाय पियेंगे, भाई लोगों के साथ थोड़ा बातें कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। देखिए सारे के सारे यहाँ पे सिविल इंजीनियर बराबर हुआ है और ये बहुत ही हैरानी की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग बहुत कम लोग हैं जो अरुणाचल से है। यहाँ पे पता चला इधर आके कि यहाँ पे 100+ अरुणाचल के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, तो हमें अपने यूनिवर्सिटी से भाग के इधर आना पड़ रहा है। पर बहुत अच्छा लग रहा है इधर, एकदम घर वाला फील आ रहा है, एकदम लग रहा है अरुणाचल में बिल्कुल ही। ट्रेडिशनल ड्रेस देख के तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। आपका हेड गियर नहीं है? हेड गियर नहीं है आप लोग का? नहीं है, घर से नहीं लाए ना? कोई कोई तो पहना होगा, एक दो? नहीं कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पहना है ना? वो तागिन वाला पहना है, तागिन का। अच्छा, अभी जाएंगे ना फिर देखेंगे।
जी मुल के चेयरमैन साहब, अगर पैसा आपको दे पाएंगे हम यहाँ से पैसा। तो अभी हम लोग स्टेज के पास आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, पूरा अरुणाचल से है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना लोग यहाँ पर होंगे, पर सारे लोग अरुणाचल से और अच्छे से ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ रखा हुआ है। आज अपना कल्चर है, इतना दूर पंजाब में आके देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली हमारे फ्रेंड भी आ गई है। हाय नौमी, से हाय। हेलो। गए अभी, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, सुबह से धूप में बैठा है, थक गए। बहुत अच्छा अच्छा डांस हुआ, मज़ा आ गया और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी। हम तो सुंदर नहीं दिख रहे थे, हमें बहुत एम्बेरेसमेंट हो रहा था। अभी हम लोग इस हॉल में हैं और थोड़ा सा फोटोग्राफी कर रहे हैं, हमारा फोटोग्राफर भी आ चुका है। जो यकुम सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, तो अभी ये फाइनल हो रहा है, ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम लंच करेंगे। काफ़ी देर हो चुका है और हॉस्टल से मैं तो ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आई हूँ। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिला था हमें, तो उससे पहले हम जाने से पहले चाय पिया था, तो उसी के भरोसे अभी तक बैठी हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है और हमें जल्दी जाना भी है क्योंकि इन दोनों का एग्ज़ाम है, तो जल्दी जाना है। तो अभी हम लोग जल्दी ख़त्म हो जाए प्रे कर ही रहे अभी, क्योंकि काफ़ी देर से हो रहा है। तो अभी जो इनका ना यहाँ पे इंटर्स कॉलेज का जो फुटबॉल हुआ था, गेम खेला था, उनका अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और अभी देख रहे हैं कि काफ़ी देर से बहुत धूप था और हम लोग बाहर बैठ के ना प्रोग्राम देख रहे थे, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है हमारी। तो ये हमारे जो भाई हमारे साथ आया हुआ है, उनको मिला हुआ है, उन्होंने कल फुटबॉल खेला था, उनको चोट लगी है, बट उनको आज मिला है सिल्वर मेडल। भाई भी इधर में है। हम अभी हम लोग का चंडीगढ़ का भी प्रेसिडेंट यहाँ पे, यहाँ पे है वर्ड ऑफ थैंक्स, उसके बाद हम खाने वाला है। यूनियन वर्क भी है, उसका भी कोई। ये सारी सुंदर सुंदर कन्या है हमारी अरुणाचल से, तो हम सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं और बहुत सुंदर वाली कन्या तो यहाँ पर है मैम। और अब हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। तो लंच के लिए अलग है ना यहाँ पर आके, आपको कैसा लगा? आपने पहले भी ज्वाइन किया था, तो इस बार का कैसा, अलग था या सेम था? थोड़ा अलग था, पहले में बहुत सारा इंसान था, पर ये सर इतना नहीं आया जैसे एक्सपेक्टेशन था ना। हाँ। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं आया बोलने से, क्योंकि लोकेशन बहुत दूर है ना पहले, पहले का वाला से, इसलिए नहीं आया। और तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम का जब यकूम होगा तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं ना ज्वाइन करें, क्योंकि अपना जो ट्रेडिशनल, अपना जो कल्चर, हम जो एक डाइवर्सिटी शेयर करते हैं, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये दूर अरुणाचल से जो पंजाब में आके भी हम लोग अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं, तो सबको पता चलना चाहिए कि हमारा कल्चर अरुणाचल में कैसा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करना। तो अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, हॉल है यहाँ पर, तो खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो हम सेल्फ सर्विस करके लेके आए हैं, तो ये है चिकन और सैलड, और सैलड था और बॉयलिंग था, तो ये हमारा आज का लंच है। तो हम लोग ने लेके आया, साथ में मैंने तो कोको कोला भी लेके आया, पता नहीं पेप्सी है कोको कोला समझ नहीं आ रहा है, और मैंने पानी लेना भूल गई, बट ऑलरेडी हमारे पास पानी है तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं अभी, सब लोग, और जो यहाँ के जो स्टूडेंट है इसी कॉलेज के, वो हमें अच्छे से सर्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत मेहनत किया है। तो मैं फर्स्ट टाइम यकूम सेलिब्रेट करने आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बहुत महीनों के बाद एकदम अपना घर का खाना खाऊंगी, अच्छा लग रहा है। पानी नहीं। तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लंच। तो यहाँ से बफे था, हम लोग सीधा इधर से एंटर किया था और यहाँ पे बफे था, तो बफे इस तरह से है और इस तरह से अभी सर्विंग भी कर रहे हैं जिनका खाना नहीं हुआ है, और यहाँ पे सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। पूरा सर्विंग के लिए रखा हुआ है, तो बिल्कुल आगे आना चाहिए, फीलिंग आ रहा है। बहुत ही अच्छे से किया है और यहाँ पे अभी सब लोग खा रहे हैं, और हमें और किमी ने भी दोनों ने खाना खा चुके हैं, अभी थोड़ा लिपस्टिक विपस्टिक उड़ गया हुआ तो हमारे जो साथ आए हैं वो लोग अभी खाना खा ही रहे हैं, तो हम लोग उनके पास जा रहे हैं। सब लोग खाना खा चुके हैं। हाय, खाना खा ही रहे अभी हम लोग, तो एकदम टूर करके आ गए हैं और मेरे को हेल्प
किया था किमी ने, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सब आप लोग खा चुके हैं, अब हम लोग भी खा चुके हैं, पर खा के जाने के लिए मना किया है थोड़ा बहुत, हमें फिर से वापस करना पड़ेगा कुछ डांस जैसे कुछ है, पता नहीं क्या है, अभी जाके पता चलेगा। Jendam go de pala gamkin sabeju, tinam go de pala umkin sabeju. Chinchir ga pujo kamju bam nyalaju, tinchir ga timbu kamba bam nyalaju. Nam te sute re bam laju, nam tu rumo ru bam laju. Hey. Nam pam nam pam ge ungu je kam kam bua lari la ta ga ne jer ya pa so bua छुट्टी हो रहा है तो सब लोग जो बाहर से कैलेंडर लेके जा रहे हैं तो हम लोग भी लेने जा रहे हैं। कमेंट करके जाओ जितना भी अपने बाहर से आए वो सबको थैंक यू बोल रहे हैं। इधर सब गेट में जाओ कमेटी लोग, हां जितना कमेटी है बाहर में जाओ और उसके बाद मेरा कैमरा मैन देखिए करना प्लीज मेरा पास आओ। सो मच सर, आप भी गेम में चलो। मिला है ये टोकन सब कमेटी लोग वीआईपी कॉलेज की तरफ से गेट में आओ। थैंक यू हम लोग अभी जा रहे हैं। इधर है तो हाय चलो चले नहीं लिया क्या, कैसा लगा डांस करके? चाहिए आपने डांस किया एकदम? कब किया मैंने देखा नहीं, बहुत जोर से किया। चलो बहुत मजा आ गया। और आपको कैसा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा। चलो लेट्स गो, चलो चलो चले। मेरा तो ठीक है लेकिन अब इनको देखिए कल एग्जाम है, दो दो मस्त घूम रहे हैं ना। फेस्टिवल फर्स्ट है और आते रहेंगे ना, ये फेस्टिवल एक साल के बाद आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोग ने भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू सो मच, आप लोग ने बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम को कंडक्ट करा है, थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं जल्दी, ठीक है? ओके थैंक यू। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब हमें एक चीज़ है कि हमें ऑटो ढूंढना है और ऑटो मिल भी रही यहाँ पे, देखते कहाँ तक जाता है। बहुत ही अच्छा जगह है, मैंने पहले देखा नहीं था, सुना भी नहीं था, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरा फ्रेंड को मिल चुका है, उनका फ्रेंड अब थोड़ा अंदर में बिजी है, बात कर रही है। तो अभी हम लोग ऑटो के साथ जाएंगे और हमें तीन स्टेशन चेंज करना है यहाँ से। या कुम जो है ये अरुणाचल का ना जो निसी ट्राइब है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ बहुत ही एक अच्छा स्टोरी सुना आज अंदर में कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए भी जैसे उनका हेड गियर में हॉर्नबिल का जैसे बिक होता है तो उनको लोग ने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए उसको वुड का चेंज करा एंड सो मेनी अदर थिंग जो पता चला अंदर जाके बहुत अच्छा लगा। मैं जब अरुणाचल में थी तो मुझे मैं चांगलांग साइड की हूँ तो कभी मुझे वहाँ जाके ना ये मतलब निसी कम्युनिटी में जाके मुझे कभी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला, बट यहाँ आके इतना दूर आके पंजाब में आके मुझे निसी कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग ऑटो के लिए पूछेंगे, ये वाला जाएगा होगा ना, पूछ के देखेंगे अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में बताना, और आप नए मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।